बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डीपीएन टीवी से मैं हूँ अक्सा असगर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तर्जुमान वजीर आला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने यंग मीडिया एसोसिएशन के वफद से डीजीपीआर ऑफिस में मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि डिजिटल मीडिया प्रेस क्लब बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद डिजिटल प्रेस क्लब के मेंबरशिप हासिल कर सकेंगे। उनका कहना था कि डिजिटल मीडिया से करोड़ों की तादाद में लोग वाबस्ता हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि डिजिटल मीडिया का माशरे में तामीरी किरदार होना चाहिए, नौजवानों को दुरुस्त सिमत दिखाना ही असल मकसद होना चाहिए। उनका कहना था कि इमरान खान तो हमारी जंग लड़ रहे हैं, चार गोलियां खाने के बाद कोई अगले दिन मीटिंग नहीं कर सकता। उनका कहना था कि डॉलर तैयारे में बाहर भेजे जा रहे हैं और मीडिया पर ये बात हो रही है कि घड़ी बेच दी गई। हमने इस मुल्क में रहना है, डॉलर लेकर बाहर नहीं भागना। हमारी आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने 2 अरब रुपए सैर सपाटे पर खर्च कर दिए, ये लोग रियासत के पैसे पर अयाशियां करते हैं। 3.5 साल में तहरीक इंसाफ की वफाकी काबीना ने गैर मुल्की दौरों पर इतना खर्च नहीं किया जितना बिलावल ने अपने दौरों पर किया। उन्होंने मजीद कहा कि अपने हकूक को बचाने का ये आखिरी मौका है, कोई भी शख्स कानून तोड़े हमें उसके खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए।